चुनी दीदी को कैसा लगा जो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ तमाम फ्रेंड बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मैक शहजादी और आप देख रहे हैं मैक शहजादी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने क्योंकि आज वाली वीडियो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज रात को हम खाने में क्या बनाते हैं, तो वो सब मैं आपको पकाते हुए भी दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। और मैं आई हुई थी अभी बाहर, तो आपको सब कुछ बाहर का दिखाती हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना भी है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। जल्दी जल्दी 10 के सब्सक्राइबर वॉच टाइम मेरा कम्प्लीट कर दे तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया होगा, ठीक है। और पीछे आप लोग मौसम देख सकते हैं कि सारा ही बादल बना हुआ है। और मैं इसलिए सारा दिन बंदा बैठ के ना बोर हो जाता है, रोज़ा होता है तो सारा दिन बैठ बैठ के बंदा बोर हो जाता है, इसलिए मैं बाहर आई हुई थी थोड़ा घूमने फिरने। और मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि अपने व्यूवर्स को न्यू व्लॉग देते ही रहना चाहिए ताकि वो बोर ना हो। तो आप लोग को गाँव की हर चीज़ मैं इंजॉय करवाती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर बंदे का दिल करेगा कि प्यारी प्यारी वीडियो बनाएं और अपने व्यूवर्स को प्यारी प्यारी वीडियो दिखाएं। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे प्यारी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी ना, ठीक है ना। अच्छा सब फ्रेंड्स को ना मैं एक नन्नी मुन्नी चीज़ दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और है भी मेरी नन्नी मुन्नी काकी। काकी इधर देखो, चुने काकी, ओए चुने इधर देखो, कैसा लगा चुना काका मेरा, चुने काकू हाय। उसकी मम्मा कह रही है इसको हाथ ना लगाओ, ये छोना काका, छोना काका मेरा छुईच काका है। इसके बारे में सबने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लिखना है, नजर किसी ने भी नहीं इसको मारनी, ठीक है, सबने माशाल्लाह कहना, ठीक है। और पीछे ये मक्की, मतलब मक्की की बिजाई करेंगे तो इनका बनाएंगे हम सैलिच और गाँव को काउ को डालेंगे। तो ये सारी मक्की पीछे, कैसा लगा हमारा गांव गाइस, इतना प्यारा हमारा गांव है। तो ये मतलब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर काऊ को डालेंगे। वैसे अभी मैं बाहर आई हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दूं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना।